निर्भया केस के दोषियों को फांसी दिए जाने के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया। निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए 3 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई। नए डेथ वारंट के अनुसार 3 मार्च की सुबह 6 बजे निर्भया के गुनहगारों को फांसी दी जाएगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि 3 दोषियों अक्षय, विनय और मुकेश की दया याचिका खारिज हो चुकी है। एक दोषी पवन की ओर से इस मामले में दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल होनी बाकी है। सरकारी वकील ने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से दी गई एक सप्ताह की मियाद भी 11 फरवरी को समाप्त हो चुकी है। उन्होंने दलील दी कि फिलहाल किसी भी दोषी की कोई भी याचिका किसी भी कोर्ट में लंबित नहीं है, इसलिए नया डेथ वारंट जारी किया जाए। वहीं इस फैसले के बाद निर्भया की मां का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश नहीं हूं, क्योंकि ये तीसरी बार है जब दोषियों का डेथ वारंट जारी हुआ हो। हमने बहुत संघर्ष किया है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ कि आखिरकार डेथ वारंट जारी तो हुआ। मुझे आशा है कि दोषियों को 3 मार्च को फांसी हो जाएगी। हालांकि दोषियों के वकील एपी सिंह का दावा है कि उनके पास अब भी कई कानूनी विकल्प बाकी हैं। फैसले के बाद उन्होंने कहा कि ये मीडिया और राजनेताओं का प्रेशर है जिसके कारण फांसी की तारीख आई है। इससे पहले अदालत ने 7 जनवरी को डेथ वारंट जारी किया था, जिसके अनुसार दोषियों को 22 जनवरी को फांसी होनी थी। इसके बाद 17 जनवरी को दोबारा नया डेथ वारंट जारी किया गया, जिसके अनुसार दोषियों को 1 फरवरी सुबह 7 बजे फांसी होनी थी। और ये अब तीसरी बार है जो नया डेथ वारंट जारी कर दिया गया। अब देखना होगा 3 मार्च को क्या कुछ होगा और क्या ये दरिंदे फांसी पर लटक जाएंगे या ऐसे ही तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। आपको क्या लगता है? आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।